नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम इस पाम को रीड करने वाले हैं, और काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पाम को रीड किया जाए, और लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज यहाँ पर टाइम मिला है, तो आज इस पाम को रीड करेंगे। तो इस पाम की खासियत यही है कि इनके जो माउंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और साइज़ में, और सभी माउंट छोटे हैं, तो इसका क्या फल मिलेगा आपको इस वीडियो में एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें। तो पामिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे का निशान भी दबा लें, ताकि आगे जो फ्यूचर में वीडियो हम अपलोड कर सकें आपको मिल सके। अगर आप अपने हैंड का पूरा रीड और एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, वहाँ से अपनी समस्याएँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और स्पेशल कंसल्टेंट ले सकते हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरे पाम को हम रीड करेंगे, उससे सबसे पहले इनके फिंगर्स की लेंथ को देखेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, आखिर में जो है हम लाइनों को चेक करेंगे। तो इस तरह हम पूरे प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे, साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कलर लूँ मैं पहले। देखिए, जो आप हाथ देख पा रहे हैं अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश है, पूरा स्क्वायरिश, और मेहनत की कोई कमी नहीं है। अपने कैरियर को बनाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत ऐसा जातक करता है, तो हाथ में मेहनत की क्वालिटीज़ पूरी हैं। और जो फिंगर्स की लेंथ है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर है, लेकिन थोड़ी सी कहूँगा छोटी हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी में फैसले लेने वाला जातक ऐसा हो सकता है, और थोड़ा सा ज़िद्दीपन नेचर ऐसा हो सकता है, ऐसा जातक जो होता है खुद पे इंडिपेंडेंट ज़्यादा होता है, तो ये क्वालिटीज़ यहाँ पर दिख रहा है। और जो साइज़ है थंब का आपको छोटा होता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा सा कह सकते हैं एग्रेशन की भावना रह सकती है। जो फर्स्ट पोर है वो छोटा है सेकंड पोर के मुकाबले, तो ऐसे जातक में मन में सपने काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और उनको पूरे करने के लिए ऐसा जातक जो है पूरा परिश्रम जरूर करता है, लेकिन किसी ना किसी काल में, किसी ना किसी समय में उसका जो धैर्य है थोड़ा टूटने लगता है। लेकिन जो है समय के साथ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन जो कहेंगे बड़े बड़े सपने काफ़ी अच्छे ऐसे जातक यहाँ पर दिखता है। तो ये पूरी क्वालिटीज़ इनके हाथ के बारे में दिख रही हैं। चलिए आगे हम फिंगर्स की लेंथ को चेक करते हैं। फिंगर्स की लेंथ जो है क्या यहाँ पर शो कर रही है, देखिए आपसे सबको सामने यहाँ पर सभी फिंगर्स यहाँ पर दिख रही हैं। जो सबसे लंबी फिंगर देख पा रहे हैं आप, वो सूर्य की फिंगर आपको लग रही है, और अप्रॉक्स कहें कि शनि के थोड़े से वेलेंस से थोड़ी छोटी है। तो इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी पूरी भरपूर यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा जातक जो होता है उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, किसी कला में काफ़ी ज़्यादा माहिर होता है, और ऐसा जातक जो होता है एक्टर या फिर कह सकते हैं कि कोई भी मतलब ऐसा फील्ड जिसमें फेम और ऐश्वर्य की ज़रूरत होती है, उस फील्ड में जाता है, और कह सकते हैं कि चमक वगैरह फील्ड में जाने से ऐसे जातक को फ़ायदा होता है। मैं कह सकता हूँ कि एक्टर हो गया या फिर पॉलिटिक्स हो गया, या फिर हम कहें कि ऐसे फील्ड जो मशहूर करते हैं, जो फेम दिलाते हैं, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी हैं। अगर इसी फील्ड में ये लगे रहें, इसी फील्ड में ये काम करें, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इनको आगे चलकर। और जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बृहस्पति की फिंगर है वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी छोटी नज़र नहीं आ रही है, वो भी यहाँ पर अप्रॉक्स कह सकते हैं 70% हाई मैं कहूँगा इसको। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, लीड करने की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन सूर्य के मुकाबले जो क्वालिटीज़ हैं इसमें कम है। तो ऐसे जातक का थोड़ा सा वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन जो सन की फिंगर है इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। उसके साथ जो कह सकते हैं कि शनि की फिंगर है वो भी यहाँ पर बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन माउंट्स जो छोटे हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रगल काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहेगा। देखिए आपको बुध की जो फिंगर है हल्की सी टिल्ट नज़र आ रही होगी, और जो है ये बुध की फिंगर और सूर्य की फिंगर में थोड़ा सा आपको हल्का सा गैप आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, खर्च करने वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा होता है, और पैसे ऐसे जातक के बाद थोड़े से कम ही बचते हैं, तो यहाँ पर ये क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम अब माउंट्स को चेक करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूँ, जो इनके बुध का जो फिंगर है, बुध की जो फिंगर है वो फर्स्ट बैलेंस को भी यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है,
बोलने की प्रवृत्ति काफ़ी ऐसे जातक में अच्छी यहाँ पर देखी गई है। तो बौद्धिक क्षमता के साथ बिजनेस क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। ऐसे जातक अगर बिजनेस फील्ड में जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इनकी जो सूर्य की फिंगर है वो भी लंबी है जो फेम दिलाती है किसी फील्ड में, और बुध की फिंगर भी लंबी है जो यहाँ पर बिजनेस क्वालिटीज़ को और बौद्धिक क्षमता को व्यक्त करती है। तो बिजनेस क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखी गई हैं इस जातक में, और यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, लेकिन खर्चीला स्वभाव यहाँ पर इनका ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम माउंट्स की अब बात करेंगे। माउंट्स इनके बारे में क्या बता रहे हैं, देखिए आप कुल मिला के जो देख रहे हैं, जो हाथ का ये सेक्शन है, ये पोर है, वो छोटा होता हुआ नज़र आएगा, और जो ये सेक्शन है वो बड़ा है, लंबा है। तो मतलब कुल मिला के जो है, जो सभी माउंट्स को जो स्पेस मिल रही है काफ़ी कम मिल रही है। तो ऐसे जातक के लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि बुध की क्वालिटीज़ वो फिंगर के, चलिए फिंगर्स से यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन जो असली रिजल्ट मिलता है वो माउंट्स का ही मिलता है। जो माउंट्स हैं सभी वो काफ़ी कम स्पेस यहाँ पर दे रहे हैं, ये खास करके जो तीनों माउंट हैं ये कम स्पेस दे रहे हैं। बृहस्पति का माउंट मैं एवरेज कहूँगा, इसको स्पेस मिल रही है उतनी, लेकिन ये तीन माउंट हैं इनका यहाँ पर सेक्शन काफ़ी छोटा है। तो लाइफ में कम ऐसा कह सकते हैं कि अग्रेशन भी रह सकता है, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाना, या कह सकते हैं कि कभी कभी काफ़ी चिंतित हो जाना, ऐसे नेचर ऐसी जातक की रहती है, और स्ट्रगल काफ़ी अच्छा यहाँ पर लाइफ में देखने को मिलता है, या फिर अपने वैवाहिक जीवन को लेकर हो, वैवाहिक जीवन नहीं कहूँगा क्योंकि उसके लिए बृहस्पति माउंट और शुक्र माउंट देखना पड़ेगा, लेकिन जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो शनि का माउंट है वो काफ़ी कम स्पेस है, इसकी काफ़ी कम स्पेस है, फिंगर चलिए दिखा रही है लेकिन स्पेस काफ़ी कम है। तो परिश्रम काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और ये जो परिश्रम है ये काफ़ी लंबे तक समय तक चलेगा यहाँ पर नज़र आ रहा है, और फेम पाने में थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है ऐसे जातक को। और बौद्धिक क्षमता तो है, लेकिन वो क्वालिटीज़ पाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए ऐसे जातक को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो माउंट्स का जो स्पेस है वो काफ़ी कम मिल रहा है, कुल मिला के लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे, हम जैसे मैंने बताया था बृहस्पति माउंट को, बृहस्पति जो है इनका उच्च यहाँ पर नज़र आ रहा है इस हिसाब से, और इस हिसाब से लग रहा है कि जो है इसमें बृहस्पति क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है, लालिमा से हल्की है, लेकिन इस पर कोई लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो वैवाहिक जीवन जो है अच्छा यहाँ पर रहता है, इसको मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, एवरेज कहूँगा, जो बताता है कि बृहस्पति माउंट जो है जो बाकी तीनों माउंट है उससे अच्छा यहाँ पर है। तो सामाजिक कार्य भी ऐसा जातक करता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा उसका बीतता है। उसके साथ जो आपको यहाँ पर शुक्र माउंट है अच्छा खासा स्पेस लिए हुए आपको नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति माउंट और शुक्र माउंट देखा जाता है, तो दोनों यहाँ पर अच्छे हैं और 80 स्पेस लिए हुए हैं, लेकिन हल्का सा यहाँ पर नीचे से आपको दबा हुआ नज़र आएगा। तो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, वो मैं मेन बात करूँगा, जो गाड़ी पैसा या कोई भी ऐशो आराम होगा उसको हासिल करने के लिए ऐसे जातक संघर्ष करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद कह सकते हैं कि 35 एज के बाद जो है लाइफ यहाँ पर इजी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि माउंट्स कुछ ज़्यादा दबा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके ऊपर आप खड़ी लाइनें भी आपको नज़र आएंगी जो अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर व्यक्त करती हैं। और देखिए एक यहाँ पर कहेंगी यब का साइन आपको शुक्र माउंट पर बनता हुआ नज़र आएगा, जो यहाँ पर बताता है कि लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यक्त करता है, और लव मैरिज की जो क्वालिटीज़ हैं इनके हाथ में और भी मुझे देखी हैं, तो और भी मैं बताऊंगा। एक साइन तो यहाँ पर मिल गया है लव मैरिज का, और लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर काफ़ी बड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो है इनके चंद्र माउंट को चेक करते हैं, चंद्र माउंट जो है क्या बता रहा है। देखिए चंद्र माउंट है थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ आपको नज़र आएगा, कुछ ज़्यादा देखिए ऊपरी जो चंद्र है वो ठीक है, लेकिन जो निचला चंद्र है जो यहाँ पर यात्राओं को शो करेगा, या फिर मन के चिंतन को शो करता है, या फिर कहेंगे हेल्थ को शो करता है, वो यहाँ पर बता रहा है। देखिए एक आपको एलर्जी लाइन आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर देखिए इस यहाँ से निकलती हुई जा रही है, मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से कुछ ऐसे निकलती हुई, और कुछ ऐसे डीप कट यहाँ पर, मतलब इस सेक्शन को और इस सेक्शन को अलग अलग कर रही है। तो कुछ ऐसी बीमारी या कुछ ऐसी एलर्जी इनको शारीरिक हो सकती है, या फिर अभी होगी या फिर आने वाले टाइम में, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कष्ट पहुँचाने वाली है। ये चंद्र पर्वत से यहाँ पर स्टार्ट शो हो रहा है, तो कोई स्किन संबंधी परेशानी हो गई, या फिर किसी भी शरीर में एलर्जी, कोई भी एलर्जी की लाइन यहाँ पर बन रही है जो यहाँ पर शो हो रही है, तो ये यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। और जो निचला इनका चंद्र है थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है,
जो रिलेशनशिप में थोड़े से यहाँ पर कमियाँ बताता है। अगर कोई ऐसा बातक किसी साथ मन जोड़ता है, किसी के साथ लगाव रखता है, तो उसको धोखा ही मिलता है, या फिर कह सकते हैं पूरा साथ यहाँ पर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आगे अगर इनके मंगल माउंट को चेक करें, मंगल का माउंट जो है आपको दिख रहा होगा, सभी माउंट जो है मंगल के वो क्षेत्र अच्छे हैं। तो जैसे यहाँ पर सूर्य पर्वत इनका छोटा था लेकिन फिंगर लंबी थी, तो उस जैसे जैसे मैंने फील्ड में बताया था, उस फील्ड में काफ़ी अच्छा ऐसा जातक नाम कमाता है। मंगल क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मंगल क्षेत्र का ज़्यादा उठा हुआ ना थोड़ा सा एग्रेशन दिखाता है, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आना ऐसे जातक को हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई है। चलिए, ये सभी माउंट्स को हमने चेक कर लिया, जो अब हम लाइनों को चेक करेंगे, लाइनें इनके बारे में अब क्या शो हो रही हैं। थोड़ा मैं जूम करूँगा, देखिए आपको जो लाइफ लाइन है कुछ ऐसी चलती हुई यहाँ पर स्टार्ट होती है, दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा है, डीप लाइन है, और कह सकते हैं कि जो लाइन आपको दिख रही है वो अंदर की तरफ यहाँ पर मुड़ती हुई आपको नज़र आएगी, जो पारिवारिक सपोर्ट को यहाँ पर दर्शाता है। ऐसे जातक जो है इस फैमिली का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है उसको, लेकिन जो माइंड लाइन है और जो लाइफ लाइन है वो उसमें स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिद्दी स्वभाव। और ऐसा जातक जो होता है अपने मन की ज़्यादा करता है, मतलब अगर उसके मन में आएगा तो वही करेगा, दूसरों की कम सुनता है, और ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, तो ये भी यहाँ पर लव मैरिज की चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था शुक्र पर्वत एक यव का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा था, और माइंड का और जो है शारीरिक उसका अलग होना ये बताता है कि इंडिपेंडेंट नेचर, ये भी यहाँ पर अपने रिलेशन को किसी और के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति को अपने मन से व्यक्त करता है, तो ये भी यहाँ पर लव मैरिज के चांस को व्यक्त करता है। तो चलिए, लाइफ में क्या क्या हमें दिक्कतें आ सकती हैं या फिर क्या क्या प्रोग्रेस है देखते हैं। जो है लाइफ लाइन जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डीप है, तो हेल्थ इश्यू जो प्रॉब्लम है कम है इनको। लेकिन एक देखिए एक प्रोग्रेस लाइन आपको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेस लाइन है कुछ ऐसी चलती हुई स्टार्ट हो रही है, जो यहाँ पर बता रही है कि 22 के अप्रॉक्स यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन चलती हुई दिख रही है, जो 22 की एज में कुछ ऐसा प्रोग्रेस यहाँ पर दिखा रही है। एक प्रोग्रेस लाइन जो है हल्की सी आपको नज़र आएगी यहाँ पर, जो यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है 30 की एज में, इसमें एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर जुड़ रही है, जो इस एज में कुछ फाइनेंशियली इनको या फिर प्रोफेशन से लेकर कुछ फ़ायदा इनको बड़ा होगा। और ऐसी ऐसी हल्की हल्की लाइनें आपको और भी दिख रही होंगी जो यहाँ पर एज को यहाँ पर कंटकुलेट कर रही हैं, लेकिन कुछ लाइनें जो हैं काट भी रही हैं। देखिए एक जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्रेस लाइन है स्टार्ट तो हो रही है, उसके बाद एक राहु लाइन जो है इनको कट कर रही है, जो इनके कुछ एक्सीडेंट वगैरह को दिखाती है या फिर शारीरिक कष्ट को दिखाती है या फिर कोई वैसी बीमारी को दिखाती है, जो इनको शरीर को तो कष्ट कर देगा ही, साथ में माइंड को भी काफ़ी ज़्यादा कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। उसके साथ एक और राहु लाइन जो है ऐसी कट हो रही है, और ये जो कट हो रही है कम से कम इसको मैं 26 से 28 के बीच में रखूँगा, और ये भी डिस्टर्ब करे इनको शरीर को कष्ट होगा या फिर एक्सीडेंट होगा या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब जो शारीरिक कष्ट हो सकता है, ये जो है इनकी लाइफ को भी नुकसान पहुँचाएगा, कैरियर को भी नुकसान पहुँचाएगा, और उसके साथ माइंड को भी डिस्टर्ब करेगा। और भी कुछ लाइनें हैं, लेकिन और यहाँ पर डीप लाइनें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ लाइनें हैं लेकिन यहाँ पर चिंताएं लाइनें यहाँ पर शो हो रही हैं, और जो आगे लाइफ जो है कंटिन्यू यहाँ पर काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर चल रही है, और इस एज में कुछ दिक्कतें हैं लेकिन उसके बाद जो है लाइफ अच्छी है, सेहत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अब इनकी कैरियर लाइन की। कैरियर लाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको नज़र आएगी, और कैरियर लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है यहाँ पर बाई फोर्क से। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया, अगर कैरियर लाइन यहाँ पर बाई फोर्क से स्टार्ट हो, फिश साइन से स्टार्ट हो, तो उस लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो फिश साइन है किसी एज में, मतलब जब यहाँ पर 35 क्रॉस ऐसा जातक करता है या फिर 40 एज का ऐसा जातक हो जाता है, तो इस एज में ये जो फिश का साइन है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करता है, और ये दिखाता है कि पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है इनका। और ये जो लाइन है मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा, जो कुछ लाइन ऐसे यहाँ पर बन रही है, ऐसी शो हो रही है, जो लाइफ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है कि लाइफ में पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पर दिखा रहा है आगे चलकर। और ये जो लाइन है ये कहेंगे शनि पर्वत तक पहुँच रही है, जो बताता है कि स्ट्रगल
तो रहेगा, लेकिन साथ में जैसे जैसे प्रोग्रेस से करना स्टार्ट करा जाता है वैसे वैसे लाइफ काफ़ी अच्छी होती जाएगी। एक मनी ट्रायंगल आपको दिख रहा है जो एक लाइफ लाइन के साथ, एक कैरियर, एक हेल्थ लाइन के साथ, एक माइंड लाइन के साथ बनता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे जातक के पास पैसा भी काफ़ी अच्छा रहता है और पैसा काफ़ी ज़्यादा ये अर्न करता है ऐसे जातक। चलिए ये तो कैरियर लाइन के ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एक आपको लाइन यहाँ पर जुड़ती हुई नज़र आएगी, देखिए कुछ ऐसी लाइन एक आपको जुड़ती हुई जाएगी जो कैरियर लाइन के साथ जुड़ रही है। और ये एज यहाँ पर बन रही है, कम से कम इसको मान के चलें कि 28 से लेकर 29 के बीच में ये एज यहाँ पर बन रही है। इस एज में जाकर कुछ ऐसा जातक या फिर कोई ऐसा पर्सन इनके साथ जुड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा इनको प्रोग्रेस देगा, काफ़ी ज़्यादा है बाहरी सपोर्ट देगा। हालांकि इसके अनुमान मैं लगा सकता हूँ कि लव मैरिज के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं विवाह के जीवन के बाद, दुआई के जीवन के बाद उनकी पत्नी हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी जातक इनके साथ जुड़ेगा जो इनको लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा। तो कुल मिला के जो है कैरियर लाइन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र मुझे नहीं आ रही है। जो थोड़ी सी राहु लाइनें मैंने आपको बताई थी जो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे ये लाइन जो कैरियर को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये जो एज बन रही है कम से कम इसको मान के चले हम 30 के अराउंड, और कुछ लाइन जो है ये भी यहाँ पर कट कर रही है कैरियर को, ये यहाँ पर बन रही है कम से कम 45 के अराउंड। तो कुछ ऐसी यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो है करियर ठीक है, इसमें प्रोग्रेस भी है, लेकिन हल्के हल्के से कट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जो हल्के हल्के से नुकसान और कुल हल्के हल्के से जो है कैरियर में डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। ये जो एज बन रही है मैं 25 से 26 के अप्रॉक्स, ये भी यहाँ पर 23 और 21 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है। तो ये कुल मिला के कैरियर है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इनकी माइंड लाइन को चेक करेंगे। माइंड लाइन में कुछ दिक्कतें मुझे नज़र आई हैं इनकी, जैसे यहाँ पर शुरू में मैंने आपको बताया था जो इनका जिनकी जो लाइफ लाइन है और माइंड लाइन अलग चल रही थी उसके हिसाब से ही यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस जो है मानसिक तनाव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए आपको एक यव का साइन जो है या आपको यहाँ पर नज़र आएगा और यहाँ पर भी नज़र आएगा और एक कट भी आपको नज़र आएगा और यहाँ पर एक बाई फोर का आपको नज़र आएगा। जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम 24 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है, ये जो एज बन रही है 26 के अराउंड बन रही है, और जो ये जो लाइफ यहाँ पर ब्रेक हो रही है, जो माइंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो रही है, ये 45 के अराउंड यहाँ पर बन रही है। इसमें कुछ इनके मानसिक तनाव, दिमागी कोई डिस्टर्बेंस या फिर कह सकते हैं कि ऐसी चिंता जो इनको काफ़ी टाइम तक रहेगी तो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यक्त करा रहा है, क्योंकि जो माइंड लाइन है बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई डीप यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है माइंड। लेकिन जो जो मैंने एज बताई उसमें कुछ दिक्कतें इनको रह सकती हैं। चलिए हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन को हम चेक करते हैं। हार्ट लाइन इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही है, हार्ट लाइन कुछ ऐसी स्टार्ट हो रही है विष्णु सिंबल से और आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर इस एज में जाकर कुछ दिक्कतें आपको नज़र आएंगी। इस एज में जैसे मैंने यहाँ पर बताया था माइंड लाइन में 45 एज में कोई बड़ा डीप यहाँ पर ब्रेक है, उसी में भी यहाँ कर यव का साइन आपको बनता हुआ नज़र आएगा। ये जो यव का साइन है 45 की एज में बन रहा है, ये यहाँ पर 70 की एज, 60 की एज में अप्रॉक्स यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें दो कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इनको आ सकते हैं, मानसिक तनाव तो देंगे ही देंगे, साथ में हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर करेंगे। और जो माइंड लाइन मैं हार्ट लाइन है कुछ वो सीमियन सी लाइन यहाँ पर बनती हुई स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है मुझे, सीमियन नहीं कहूँगा इसको मैं, मतलब थोड़ा सी ब्रॉड होती हुई नज़र आएगी। जो यहाँ पर रिलेशनशिप में गड़बड़ी या फिर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ज़्यादा ना चलना और रिलेशनशिप में हमेशा धोखा मिलने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ जो सेटबैक्स यहाँ पर नज़र आएंगे आपको, देखिए इस एज में और इसमें कुछ सेटबैक्स आपको नज़र आएंगे। तो कुल मिला के जो हॉट लाइन है वो रिलेशनशिप के मामले में कुछ ज़्यादा यहाँ पर अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही है, और इमोशनल तो यहाँ पर दिखा रहा है, साथ में प्रैक्टिकल भी दिखा रहा है, और अपने जो भाव है, अभाव है, कुछ अंदर ही अंदर दबा के रखना ऐसा जाता है कि यहाँ पर क्वालिटीज को दर्शा रहा है। लेकिन एक विष्णु सिंबल जो इनके हाथ में बन रहा है ये पॉजिटिव है, इनके हाथ में ये विष्णु सिंबल जो है इनको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। विष्णु सिंबल काफ़ी कम ही हाथों में बनता है, जिस हाथ में बनता है वो काफ़ी ज़्यादा जातक जो है आगे जाके प्रोग्रेस यहाँ पर करता है। और कुछ आपको चंद्र क्षेत्र में कुछ लाइनें आपको नज़र आएंगी जो यहाँ पर यात्राओं को शो कर रही हैं, जो यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं को यहाँ पर शो कर रही हैं। चलिए ये तो पूरा प्रेडिक्शन था, आपको कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट में बताएं। अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।